दोस्तों, मैं आज आपको ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहूंगा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की दुनिया में बड़ा उपयोगी साबित हुआ है। इसका उपयोग पूरी दुनिया में प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, पीएचडी स्टूडेंट्स, मास्टर एंड बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स रेफरेंसिंग एंड साइटेशन के लिए बखूबी कर रहे हैं। इसका आविष्कार 3 जर्मन पीएचडी स्टूडेंट ने सन 2007 में किया था, जिसको बाद में एल्सवेयर पब्लिशिंग कंपनी ने सन 2013 में परचेज किया। दोस्तों, यह सॉफ्टवेयर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है, आइए जानिए इसके पीछे मुख्य क्या कारण है। पहला, सर्वप्रथम इस मैंडले सॉफ्टवेयर को यूज करना काफी सरल है। दूसरा, जो कि प्रमुख कारण है, यह सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है, मतलब आप इसे फ्री में डाउनलोड कर यूज कर सकते हैं। तीसरा, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की रेफरेंसिंग स्टाइल से काफी एडवांस है। चौथा, जो कि मुख्य कारण है, कि इस सॉफ्टवेयर का यूज आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे आपके पास विंडोज हो, चाहे आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। इसका मीनिंग ये है कि यह क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। आप इस वीडियो में मैं आपको सर्वप्रथम यह बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड किया जाता है, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर यह बताया जाएगा कि इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज किया जाता है किसी भी रिसर्च पेपर्स या थीसिस को लिखने के अंदर। देखिए, सबसे पहले आप mendeley.com वेबसाइट ओपन करें। देन आप इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यह डैशबोर्ड है मेंडले वेबसाइट का। इसके अंदर टॉप राइट कॉर्नर पे एक बटन है डाउनलोड। यदि आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की विंडो ओपन होगी। आप देख सकते हैं यह विंडो, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि डाउनलोड मेंडले डेस्कटॉप फॉर विंडोज। आपके पास यदि सिस्टम में या आपके लैपटॉप पर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप विंडोज के लिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस है तो आप इस पर क्लिक करके आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। यदि आपके पास लिनक्स है तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। आइए विंडोज के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया जाए। यदि आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो आपको 54.7 MB की फाइल डाउनलोड होना शुरू होगी, जो कि exe फाइल है, और यह लगभग आपके 2 मिनट के अंदर आपको आपके सिस्टम के अंदर यह डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से प्रोग्रेस हो रही है और यह सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है आपके सिस्टम के अंदर। 20 सेकंड लेफ्ट है। जैसे ही यह exe फाइल डाउनलोड होती है, इसके बाद इसको क्लिक करके इसको इंस्टॉलेशन किया जाएगा सिस्टम के अंदर। आप देख सकते हैं प्रोग्रेस यहाँ दिखाई दे रही है, 46.6 आउट ऑफ 54.7 MB। जैसे ही ये खत्म होता है, यहाँ प्रोसेस स्टॉप होगा, उसके बाद आपको इस आइकन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो ओपन होगी। आप रन बटन पे क्लिक करके इस सॉफ्टवेयर को इजीली रन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह का विंडोज ओपन होगा। आप ये लाइसेंस एग्रीमेंट है इस सॉफ्टवेयर के लिए, उसको आपको एग्री करना है, आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करना शुरू होंगे तो इस तरह की प्रोग्रेस होगी। यह एक किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने का जो नॉर्मल तरीका है वो ही इस सॉफ्टवेयर के लिए भी फॉलो होता है। आप देखिए, जैसे ही ये सॉफ्टवेयर यदि इंस्टॉलेशन होगा आपके सिस्टम में, आपको इस तरह का एक आइकन बन जाएगा। इसका मीनिंग यह है कि यह आपका मेंडले सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो चुका है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे किया जाता है किसी रिसर्च पेपर्स को या किसी भी थीसिस को लिखने के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरा नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी ही देखेंगे, जो कि ये बताएगा कि मेंडले को यूज कैसे किया जाता है। थैंक यू।